वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, चलिए आज एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में दोनों हेडर फाइल लगाएंगे हम, stdio.h और conio.h। तो लिखते हैं, चलिए हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, दोनों हेडर फाइल हमने लगा दी। अब वॉइड मेन प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। तीन वेरिएबल बनाऊंगा मैं, इस बार मैं वेरिएबल फ्लोट टाइप के बनाऊंगा, क्योंकि दो नंबर अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हो सकता है कि आंसर पॉइंट में आए, दशमलव में आए, तो वो एक इंटीजर नंबर नहीं होगा। उसको कौन सा डेटा टाइप सपोर्ट करेगा? फ्लोट टाइप का करेगा। इसलिए तीनों वेरिएबल में किस टाइप के बना रहा हूँ? फ्लोट टाइप के बना रहा हूँ। तो फ्लोट नम वन कॉमा नम टू कॉमा डिवाइड, तीन वेरिएबल बना दिए मैंने, नम वन नम टू और डिवाइड। इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में सी एल आर एस सी आर, पुराना आउटपुट नहीं देखना तो सी एल आर एस सी आर का यूज कर सकता हूँ। फिर प्रिंट एफ, यूजर को मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। तो प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, यूजर को एक पता लगेगा कि उसको अब क्या डालना है, फर्स्ट नंबर डालना है। स्कैन एफ में परसेंटेज एफ लिखा जाएगा, इस बार परसेंटेज डी की जगह मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज एफ। परसेंटेज डी कब लिखता हूँ? जो मैं डेटा टाइप क्या लेता हूँ? इंट, क्योंकि इंट रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को और डी भी रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर को। तो अगर इंट डेटा टाइप है तो यहाँ पे स्कैन एफ में मुझे परसेंटेज डी लिखना होगा, और फ्लॉट डेटा टाइप है तो यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखना होगा, जिससे कि कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो परसेंटेज एफ लिखने के बाद मैं इंवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एड्रेस ऑफ नम वन, पहली वैल्यू किस में चली जाएगी? नम वन के अंदर चली जाएगी। फिर सेकंड लाइन में मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर, तो यूजर को पता लगेगा कि उसको सेकंड नंबर डालना है, और सेकंड नंबर डालेगा फिर मैं उसको स्कैन एफ से रीड कराऊंगा। स्कैन एफ में इस बार फिर मैं परसेंटेज एफ का यूज करूंगा, क्योंकि डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है। एड्रेस ऑफ नम टू, दूसरा वेरिएबल किसमें चला गया? नम टू में। पहला वेरिएबल नम वन में, पहली वैल्यू नम वन में, दूसरी वैल्यू नम टू में। अब मुझे करनी है कैलकुलेशन, तो मैंने वेरिएबल बनाया था तीसरा डिवाइड नाम का, तो डिवाइड इक्वल टू नम वन डिवाइड बाय नम टू, यहाँ पर डिवाइड का साइन यूज करेंगे हम, सेमीकोलन। आंसर आ जाएगा किसमें? डिवाइड में। तो मैं प्रिंट एफ द डिविजन इज परसेंटेज एफ लिखूंगा। हर बार मैं परसेंटेज डी लिख रहा था क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप था, इस बार मुझे फ्लोट वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं परसेंटेज एफ लिख रहा हूँ। इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डिवाइड, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या लिया है? डिवाइड लिया है, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन, गेट सी एच और प्रोग्राम क्लोज। इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ शॉर्टकट की एफ टू प्रेस करके डिवाइड डॉट सी के नाम से। इसको कंपाइल करते हैं हम अल्ट प्लस एफ नाइन से, फिर इसको हम रन करते हैं कंट्रोल प्लस F9 से। देखिए आउटपुट आना शुरू हो गया, एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर एंटर किया, एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर एंटर किया, देखिए रिजल्ट हमारे सामने है। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोग्राम सही से बना है और सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।